नमस्कार दोस्तों, नीट सास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक जहाँ से हर साल एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। इस टॉपिक के बारे में अब मैं आपके लिए बता देता हूँ। दिस इज़ पॉलीमर्स। पॉलीमर्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा अंडर रेटेड टॉपिक है, लेकिन सवाल इससे हमेशा आता है। ठीक है, अंडर रेटेड टॉपिक्स को हमको छोड़ना नहीं है, क्योंकि अंडर रेटेड टॉपिक्स जो होते हैं उनसे आते हैं सरल सवाल, और सरल सवाल कभी छोड़ने नहीं होते हैं। स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी ही ईजी आती है। आप लोग पूरी क्या, सिर्फ ऑर्गेनिक ही क्यों, पूरा केमिस्ट्री का पेपर, पूरा NTA नीट का पेपर जो आ रहा है वो आजकल सरल ही आ रहा है। 85-90% पेपर आपके लिए ईजी ही मिलता है। ठीक है, फाइट इज़ ऑल अबाउट 10%, 10 to 11% पेपर में आपकी फ़ाइट होती है। बाकी क्योंकि 80-85% मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करके आ रहे होते हैं, तो वो आपको भी करना होता है। इसीलिए ऐसे सरल सवाल को आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, सरल सवाल को आपको कभी नहीं छोड़ना है। सरल सवाल आपके लिए हमेशा आपकी रैंक को बूस्ट करवाएंगे, इसलिए मिस्टेक्स करके गलत भी मत कीजिए कभी। ठीक है, तो हम लोग पॉलीमर्स के बारे में स्टार्ट करते हैं। पॉलीमर्स का सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्लासिफिकेशन। पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन डिफरेंट सोर्सेज के बेस पे, डिफरेंट तरीके से, ऑन द बहुत सारे बेसिक फैक्टर है जिन पे हम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स को डिवाइड किया जा सकता है। जिसमें सबसे पहला डिवीजन हम लोग किए हुए हैं ओरिजिन ऑफ द सोर्स, मतलब कैसा उसका सोर्स है, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स किया गया है। तो पहला क्लासिफिकेशन ओरिजिन ऑफ सोर्स पे है। नेचुरल पॉलीमर हो सकता है, सिंथेटिक पॉलीमर हो सकता है, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर हो सकता है। बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कैसे होते हैं उनके बेस पे हो सकता है। लीनियर चेन, ब्रांच चेन, क्रॉस लिंक। जैसे लीनियर चेन में ये लीनियर चेन हो गया, ब्रांच चेन में दीज आर द चेन्स, ये ब्रांचिंग हो गई इनकी, दीज आर द ब्रांच। अब क्रॉस लिंक्ड क्या है, ये तीनों चेन है यहाँ पर, ये क्रॉस लिंक्ड हो गए हैं, ऑल ऑफ देम आर क्रॉस लिंक्ड। दिस इज़ कॉल्ड एज क्रॉस लिंक पॉलीमर। यहाँ पे मैंने तीनों आपको लीनियर चेन पॉलीमर, ब्रांच चेन पॉलीमर, क्रॉस लिंक पॉलीमर, तीनों आपको मैंने बता दिए। अब इसके बाद आता है मॉलिकुलर फोर्सेस के बेस पे भी तीन चार टाइप्स के पॉलीमर्स हो सकते हैं। इलास्टोमर्स हो सकते हैं, फाइबर्स हो सकते हैं, थर्मोप्लास्टिक हो सकते हैं, थर्मोसेटिंग हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन किस टाइप से हो रहा है, दो टाइप से, एक हो सकता है कॉन्डेंसेशन पॉलीमर्स हो सकते हैं, एडिशन पॉलीमर्स हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कि मोनोमर यूनिट्स को आप दोनों को ऐड कर रहे हैं, और कभी कभी मोनोमर यूनिट जब आप ऐड करते हैं तो एक H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, दैट इज़ कॉल्ड एज कंडेंसेशन पॉलीमर। अब मोनोमर यूनिट के बेसिस पे, मोनोमर यूनिट जो होती हैं आप अगर सेम टाइप की यूज़ कर रहे हैं, जैसे AA पॉलीमर है, जैसे एक यूनिट A है, एक और यूनिट A है, दैन इट इज़ कॉल्ड एज होमो पॉलीमर। लेकिन अगर को पॉलीमर है, को पॉलीमर क्या होगा, दो अलग अलग यूनिट से, जैसे एक यूनिट A है, एक यूनिट B है, दैन इट इज़ कॉल्ड एज A प्लस A विल फॉर्म होमो पॉलीमर। क्या बनाएगा, होमो। और वही चीज़ हम लोग करेंगे जब ए प्लस बी कर रहे हैं, देन इट इज़ फॉर्म को पॉलीमर बनाएगा। ठीक है, बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स हो गया ये। आप याद रखिए, आपको आप हमारे चैनल को आप देख रहे हैं, दैट इज़ नीट सास पे आप और भी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, पॉलीमर्स के बारे में आगे मैं बताता हूँ आपको। एडिशन पॉलीमर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। एडिशन पॉलीमर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट चार पांच हैं, जिनसे जिनके मोनोमर यूनिट्स के बारे में, जिनके पॉलीमर यूनिट पॉलीमर के बारे में पूछा जाता है एग्ज़ाम में, वो चीज़ें मैं आपके लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे पहला है पॉलीइथाइलिन। पॉलीइथाइलिन का मोनोमर यूनिट है इथीन, इथीन का ये रहा, दिस इज़ पॉलीमर। ठीक है, पॉलीप्रोपाइलिन। पॉलीप्रोपाइलिन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का है, पॉलीप्रोपाइलिन हो गया, ये इसका पॉलीमर हो गया। ठीक है, पॉलीमर्स बहुत ही सरल टॉपिक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ये जो जितना इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, दैट इज़ मोर देन सफिशियंट फॉर पॉलीमर्स। ठीक है, आपके लिए कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। पॉलीस्टाइरीन के बारे में हम लोग बात करेंगे। पॉलीस्टाइरीन, दिस इज ऐसे स्टाइरीन, दिस इज स्टाइरीन एंड दिस इज पॉलीस्टाइरीन। ठीक है, एन जब यहाँ पे हो जा रहा है, मोनोमर एडिशन पॉलीमर है इसीलिए सेम यूनिट यूज़ हो रही है, तो एन जब आप लगा देते हैं साथ में, एंड एक एक बॉन्ड जब आप स्पेस चेन को जोड़ने के लिए खाली छोड़ देते हैं, डन इट इज़ पॉलीमर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा, स्टाइरीन। स्टाइरीन आपने रिसेंटली कहीं सुना होगा, न्यूज़ में काफ़ी चला था, स्टाइरीन गैस लीक हुई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता है नीट में, जैसे कि
कई बार हुआ भी है भोपाल, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी पे क्वेश्चन आता था, मिथाइल आइसोसाइनेट पर सवाल आता था भोपाल गैस ट्रेजेडी में, कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, कौन सी गैस लीक हुई थी, ठीक है। उसी टाइप से यहाँ पे अब एक सवाल और करंट अफेयर के अकॉर्डिंग नीट वालों के लिए, शायद एनटीए वालों के लिए एक सवाल और मिल गया है, किसी भी एग्ज़ाम वालों के लिए जहाँ पे इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इन्वायरमेंटल रिलेटेड क्वेश्चन आता है, वहाँ पे तो ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन दिस इज़ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, हम लोग पढ़ते हैं, पॉलीमर्स पढ़ते हैं, तो यहाँ सबसे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ सबसे भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टायरीन गैस लीक हुआ था विशाखापट्टनम में रिसेंटली, लास्ट मंथ स्टायरीन गैस लीक हुआ था, तो वहाँ पे भी रिसाव किस चीज़ गैस कौन सी थी, स्टायरीन ही थी, ये वही स्टायरीन, यहाँ पे पॉलीस्टायरीन फॉर्मेशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको चीज़ें ऐसे याद रखनी है, पढ़ते पढ़ते आप अगर कुछ बायोलॉजी कुछ केमिस्ट्री रिलेटेड आपको करंट अफेयर्स में मिलती हैं चीज़ें, उनको याद रखिए, क्योंकि आपका हो सकता है डेट विल बिकम अ क्वेश्चन इन द एग्ज़ाम, वो क्वेश्चन बन जाए आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप चीज़ों से रूबरू रहिए। इसके बाद आता है टेफ्लॉन, टेफ्लॉन को हम लोग पीटीएफई भी बोलते हैं, पीटीएफई क्या है, पॉली टेट्राफ्लोरोइथेन, ठीक है, CF2 दिस इज कॉल्ड एज टेफ्लॉन। टेफ्लॉन कहाँ यूज़ होता है, दीवारों में हम लोग जो लगाते हैं, एक पतली सी स्क्रीन जैसी चीज़ होती है, स्क्रीन जैसी चीज़ होती है, दैट इज़ टेफ्लॉन। टेफ्लॉन और कहाँ यूज़ होता है, नॉन स्टिक पैंस पे, जो नॉन स्टिक वाले बर्तन होते हैं उन पे यूज़ किया जाता है टेफ्लॉन, ठीक है। उसके बाद आता है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, उसके बाद पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, जनरल यूजेस यहाँ पे मैं आपको दिखा बता दे रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द पॉलीमर्स के जनरल यूजेस प्लास्टिक्स में, फाइबर्स में, बॉटल, पाइप्स, मग, स्वीटनर, स्वेटर्स में होता है, स्वेटर्स हो गया, ठीक है, वॉल कोटिंग्स टेफ्लॉन के लिए, नॉन स्टिक पैंस टेफ्लॉन, नॉन स्टिक यूटेंसिल्स एक्सेट्रा, ये सब में आपका हो गया एडिशनल एडिशन पॉलीमर्स। अब एडिशन पॉलीमर्स तो कुछ और भी हैं, जैसे कि नियोप्रीन, नियोप्रीन एक एडिशन पॉलीमर हो गया, बूना एन एंड बूना एस, दीज बोथ आर रबर्स। बूना एन में क्या होता है, ब्यूटाडाइन प्लस एक्राइलो नाइट्राइल होता है, दिस इज द पॉलीमर, उसका कुछ ऐसा होता है, ठीक है। इसके बाद आता है बूना एस, बूना एस को क्या बोलते हैं, SBR क्यों बोलते हैं, स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर, स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर को SBR बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है पॉलीइथीन, पॉलीइथीन क्या होता है, हाई डेंसिटी पॉलीइथीन और लो डेंसिटी दो टाइप के हो सकते हैं, तो हाई डेंसिटी पॉलीइथीन जो है दैट इज़ स्ट्रॉन्गर, वो स्ट्रॉन्गर होती है विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, प्रिपेयर्ड बाय यूज़ ऑफ ज़िग्लर नाटा कैटलिस्ट का यूज़ करके हाई डेंसिटी पॉलीइथीन को बनाया जाता है। लो डेंसिटी पॉलीइथीन इज़ वीकर, कैन नॉट विदस्टैंड हाई टेम्परेचर। इसके बाद आता है वल्केनाइज रबर, वल्केनाइज रबर में क्या होता है, पॉली आइसोप्रीन प्लस S8 क्या होता है, सल्फर, डाई सल्फाइड बॉन्ड्स बन जाते हैं वहाँ पे, सल्फर ब्रिजेस बन जाते हैं, डेट क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर चेन बन जाती है सल्फर ब्रिजेस के साथ, डेट इज़ कॉल्ड एज वल्केनाइज्ड रबर। अब वल्केनाइज्ड रबर के बाद हम लोग आते हैं कुछ कंडेंसेशन पॉलीमर्स पे, कंडेंसेशन पॉलीमर्स में नायलॉन 6 आप देख रहे हैं, कैप्रोलैक्टम उसका मोनोमर यूनिट होता है, नायलॉन 6 एडिपिक एसिड प्लस हेक्सामेथाइलिन डायमीन, कुछ नहीं होता है पॉलीमर्स में, कंडेंसेशन पॉलीमर्स में होता क्या है, दो मोनोमर यूनिट आप लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल को बाहर कीजिए, दैट इज़ कॉल्ड एज कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन यही तो है, कंडेंसेशन में क्या है, एक वाटर मॉलिक्यूल को आपको बाहर निकालना है, दैट इज़ कंडेंसेशन। अब बेकेलाइट पे हम लोग आते हैं, फिनॉल प्लस फॉर्मलडिहाइड से बनेगा बेकेलाइट। उसके बाद आता है PET, पॉलीइथाइलिन टेरेप्थिलेट, इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस टेरेप्थिलिक एसिड से बन रहा है, यहाँ पे मैंने एक वाटर मॉलिक्यूल आपको बाहर निकाल के दिखाया, ठीक है। अब आता है नेचुरल पॉलीमर्स के एग्जांपल, नेचुरल पॉलीमर्स के एग्जांपल्स में आप देखते हैं सेल्यूलोज, जो आप बायोकॉमोलिकल्स में पढ़ते हैं, सेल्यूलोज, लेसिथिन, काइटिन, पॉलीपेप्टाइड्स, पेप्टाइडोग्लाइकेंस, DNA, RNA, डेक्सट्रिन एक्सेट्रा, दीज ऑल आर कॉल्ड एज नेचुरल पॉलीमर्स। क्या कहलाते हैं, नेचुरल पॉलीमर्स। नेचुरल पॉलीमर्स को आप केमिस्ट्री से ज़्यादा बेहतर बायोलॉजी में बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया पॉलीमर्स के बारे में। पॉलीमर्स में आपने क्या क्या पढ़ा, एडिशन पॉलीमर्स पढ़ा, कंडेंसेशन पॉलीमर्स पढ़ा, हाई डेंसिटी लो डेंसिटी पॉलीथीन पढ़ा, वल्केनाइज्ड रबर के बारे में पढ़ा, जनरल यूजेस आपने देख लिए, ठीक है। ये सारे हो गए कंडेंसेशन पॉलीमर्स के बारे में, कंडेंसेशन पॉलीमर्स, एडिशन पॉलीमर्स। ये छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही छोटा चैप्टर है, यहाँ पे पॉलीमर्स चैप्टर ख़त्म हो गया है। आपने सिर्फ और सिर्फ
9 से 10 मिनट में आपने पॉलीमर चैप्टर का एक बहुत अच्छा रैपिड रिवीजन कर लिया। ऐसे ही रैपिड रिवीजन की बार बार आपको ज़रूरत है, हर बार आपको ज़रूरत है, अलग अलग चैप्टर्स के लिए आपको ज़रूरत है, रैपिड रिवीजन आपको ज़रूरत है, क्योंकि टाइम कम है आपके पास और सिलेबस ज़्यादा है। कम टाइम सिलेबस ज़्यादा, सेलेक्टिव स्टडी, स्मार्ट स्टडी, टाइम मैनेजमेंट, NCERT, 4-5-6 चीज़ों के अराउंड ही नीट का प्रिपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नीट का प्रिपरेशन इन्हीं 4-5 चीज़ों के अराउंड अगर आप करते हैं तो श्योरली यू विल गेट अ सक्सेस। आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, 570-580 प्लस आप जाएंगे, यू विल गेट, श्योरली यू विल गेट अ MBBS सीट इन एनी ऑफ द गुड कॉलेज ऑफ द स्टेट और ऑल इंडिया कोटा से, जहाँ जैसे भी आप लेना चाहेंगे अकॉर्डिंग टू द रैंक आपको ज़रूर मिलेगा। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, थैंक यू।